विशेष करके जो सोशल एंटरप्राइज काम कर रहे हैं, जिसकी सीधा सीधा लाभ समाज की बॉटम ऑफ द पिरामिड को मिलता है, ऐसे ही एक प्रयोग हमारे देश की प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन इरमा और उसके साथ LIC हाउसिंग कॉरपोरेशन की सामूहिक प्रयास से हर एक साल 20 स्टार्टअप्स को ढूंढ निकालना और उनकी आइडिया को इवैल्यूएट करने के बाद उनको हैंडहोल्ड करना, उनको बिजनेस प्लान में हैंडहोल्ड करना, उनको ब्रांडिंग में, मार्केटिंग में और फाइनेंस में, कैपिटल में हैंडहोल्ड करना, इस प्रकार के प्रयास में आज यहाँ आया था। एग्जीबिशन देखा, उनके ऊपर भरोसा रख के जो लोग उनको फंड देते हैं, इक्विटी के साथ फंड देते हैं, उनको भी मिला। और विशेष करके जो नई पीढ़ी के लोग इस काम पे लगे हैं, जिनके एजेंडा में सस्टेनेबिलिटी है, जिनके एजेंडा में लोकल सप्लाई चेन है, जिनकी एजेंडा में ईज एंड कन्वीनियंस है, लोगों को रोजगार देने की प्रायोरिटी है, ऐसे सारे इनिशिएटिव को, सोशल एंटरप्राइजेस को देखने के बाद निश्चित रूप में आश्वस्त होता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सफल प्रबंधन के कारण देश की नई पीढ़ी एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है, ये आने वाले दिनों में और मोमेंटम पकड़ लेगा। कोई एग्रीकल्चर में काम कर रहा है, कोई वेस्ट मैनेजमेंट में काम कर रहा है, कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर ईज देने के लिए काम कर रहा है, ये सभी कॉम्पिटेटिव थे, सभी अपने अपने स्पेस मार्केट में बना ही रहे हैं, सब प्रशंसा के पात्र हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज फॉर यू। अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरा नाम विमल पंजानी है, मैं फाउंडर एंड सीईओ एग्रीविजय का। एग्रीविजय भारत का पहला अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी का मार्केट प्लेस है, जो विभिन्न प्रकार के सोलर, बायोगैस, ग्रीन एनर्जी प्रोडक्ट्स एक ही प्लेटफॉर्म पर लाता है और हम किसानों को आत्मनिर्भर बनाते हैं। और क्लाइमेट चेंज जो कि एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो ग्लोबली लड़ी जा रही है, इसमें हम कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम किसानों को न सिर्फ रिकमेंडेशन देते हैं बल्कि उनको प्रोडक्ट्स सेल भी करते हैं, फाइनेंस भी करते हैं, डिलीवरी इंस्टॉलेशन भी करते हैं। सो मेजर प्रोडक्ट्स हमारे सोलर वाटर पंप, सोलर इन्वर्टर, सोलर ड्रायर, सोलर स्प्रेयर्स, बायोगैस डाइजेस्टर्स, इलेक्ट्रिक टूल बार, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स हैं और हम काफ़ी नए नए प्रोडक्ट्स हर महीने ऐड करते हैं प्लेटफॉर्म पर। जैसे हमने अभी ड्रोन और ऑर्गेनिक कैटल फीड भी ऐड किया प्लेटफॉर्म पर और हमारे रिन्यूएबल एनर्जी स्टोर जो कि गाँव में है उसके माध्यम से हमने प्रोडक्ट को उपलब्ध कराते हैं और हमारी टीम इसको डिलीवरी इंस्टॉल करके उनको आत्मनिर्भर बनाती है और क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो कि कार्बन है उसको हम अबेट करते हैं। थैंक यू। जो डॉकी मिल्क से ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हम लोग गधी के दूध को यूटिलाइज करके स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। डॉकी मिल्क जाना जाता है अपने नेचुरल एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के लिए, स्किन नरिशमेंट प्रॉपर्टीज के लिए, इसमें रेटिनॉल नेचुरली मौजूद होता है, उसी रेटिनॉल को हम लोग यूटिलाइज करते हैं डॉकी मिल्क यूटिलाइज करके अपने 5 वेरिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए, जिसमें भी है डिफरेंट वेरियंट्स अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप और स्किन कंसर्न के अकॉर्डिंग हम लोगों ने उस प्रोडक्ट्स को डेवलप किया हुआ है। हम लोग डोंकी ओनर कम्युनिटी जो मार्जिनलाइज्ड कैटल फार्मर्स हैं, हम उनके साथ काम करते हैं दिल्ली NCR और नोएडा में, उत्तर प्रदेश में, एंड 1300 रुपये लीटर हम लोग गधी का दूध खरीदते हैं। वो जो लोग डोंकी पालते हैं बेसिकली वो 200-300-400 रुपये पर डे दिहाड़ी कमाते हैं, बट नाउ वी वर्क विद देम, हम लोग उनको 1300 रुपये एक मिनिमम एवरेज वैल्यू देते हैं डोंकी मिल्क और उनको स्टेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। राइट नाउ हम लोग 3 लोकेशन पे और 45 फैमिलीज के साथ काम कर रहे हैं करेंटली, एंड हमारा एक सोशल मोटिव भी है सेव द डॉकी कैंपेन, जो डॉकी का पॉपुलेशन नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन जो है उनके अंडर, एंड नेशनल लाइफ स्टॉक सेंसर जो आया था उसने डॉकी का पॉपुलेशन वहाँ पे कम हो गया था, कम दिखाया गया, दैट इज 1,20,000, उस डॉकी के पॉपुलेशन को भी बचाने में हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं थोड़ा सा। थैंक यू।
मेरा नाम संजय सिंह है और हमारी कंपनी इको बैंकिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। ये हम लोग इको फ्रेंडली आइटम्स का प्रोडक्ट वगैरह बनवाते हैं और ये सारा हम पैन इंडिया एजेंसी ही काम करवाते हैं, जिसमें हम लोगों ने प्लास्टिक को रिप्लेस करने के लिए सारा के स्टार्टअप स्टार्ट किया है, जिसमें एग्जैक्टली एंटरप्रेन्योर हमारी मैडम है जो डॉक्टर निशा त्रिपाठी, उन्हीं की वजह से ये सब स्टार्ट हो पाया है। तो ये जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं ये फ्रेश चीज से बनाते हैं या रिसाइकल करते हैं इसको? सर ये सारे प्रोडक्ट जो है ये बैम्बू से है, बैम्बू बायोडिग्रेडेबल होता है, जिसमें ये रिसाइकल का नहीं होता है, बाकी ये इसकी लॉन्ग लाइफ होती है। दूसरा सर हमने एक कॉन्सेप्ट और स्टार्ट किया है जिसमें सीड पेंसिल और सीड डायरी वगैरह, जिसमें ये होता है कि जो रिसाइकल पेपर होता है उसी को कम्प्लीटली पेपर को वेस्ट पेपर को रिसाइकिल करके उसी से फ्रेश सीड डायरी और सीड पेंसिल का नया कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली बम्बू की खेती बाड़ी होती है ना? यस सर, बैम्बू एक मतलब देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट में होता है सबसे ज़्यादा और वहीं से ये प्रोडक्ट होते हैं, उसके अलावा उत्तराखंड एंड हिमाचल काफ़ी अच्छा बैम्बू का होता है। थैंक यू। I'm founder of Human Herbs and we are into medicinal and plants. This is our product. These are herbal teas. कैसे बनाया जाता है? ये हम लोग ग्रो करते हैं ट्राइबल एरियाज उत्तराखंड और फिर इनको हम लोग पैकेजिंग करते हैं प्रोडक्ट्स हेल्थ बेनिफिट्स के साथ हम ट्राइबल। यू आर अ मैन्युफैक्चरर ना? तो ये जो आइटम्स इसके अंदर यूज किए जाते हैं वो क्या होते हैं? मेडिसिनल प्लांट्स और हर्ब्स हैं, लाइक तुलसी है, कैमोमाइल है, चिया सीड्स है, हेम्प सीड्स है। थैंक यू। मेरा नाम अक्षत होगा, कंपनी का नाम कराची यूनिवर्सल सॉल्यूशंस के साथ डेवलपमेंट का डायरेक्टर की रक्षा और मेरा पोस्ट है सीईओ। हम लोग ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जिससे कुछ पराली होती है जिसको व्हाट्सएप जला दिया जाता है जिससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, उसको लेकर उसको थर्मोकोल के ऑल्टरनेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि इंडस्ट्रीज के लिए यूज हो सकती है। और ये जो ऑल्टरनेटिव है ये कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल है, 7 दिन के अंदर खाद या कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि जो कन्वेंशनल थर्मोकोल होता है उसको 2-4 साल लगता है। तो एक विकल्प हम देते हैं मार्केट में फॉर बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट, और दूसरा हम फार्मर से किसानों से उनका पराली का वेस्ट प्रोक्योर कर लेते हैं ताकि उनको उसको जलाने की जरूरत ना। तो बेसिकली ये वेस्ट से ही बनता है टोटल? बेसिकली टोटल वेस्ट से, तो ये अंदर से पूरा पराली से बना। और ये जो प्रोडक्ट है ये इस तरह की, और हर एक प्रोडक्ट जो है वो हजारों लीटर ऑफ पी है तो प्रिवेंट करता है। थैंक यू। का नाम? अनुज मिश्रा। कंपनी का नाम? ईबी। बताइए प्रोडक्ट के बारे में बताइए आपके। पहले आप वैसे बताइए मेरे सामने देख के। ईबी सेकंड बैटरी और सेंसर, ये बैटरी सेंसर ये पतंग स्टार्ट करने के लिए एक नंबर फुल बाई सकती। कितने घंटे चलती है बैटरी? बैटरी 75 किलोमीटर। एक बार कितने टाइम में चार्ज हो जाती है? 4 से 5 घंटे। और बाइक की कॉस्टिंग क्या करती है? कीमत क्या है इसकी? 80,000। तो इसकी गारंटी वारंटी क्या रहती है? 1 साल। 1 साल की वारंटी रहती है। बैटरी का? ढाई से तीन साल। ओके, थैंक यू।
कॉर्पोरेट्स के लिए काम करते हैं जो अपना डेटा मैनेज करते हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए। इसके तीन भाग हैं, ESG आउटकम, आउटकम्स, CSR एंड वॉलेटी। ये तीन पहलू हमारे हमारी जो कंपनी है वो 31+ कंट्रीज में इस्टेब्लिश है। एंड इट्स बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ही ये है सस्टेनेबिलिटी सेंटर। Okay, that's it. Thank you. मेरा नाम विपिन उपाध्याय है और हम बैक टू बेसिक्स रिसाइकल के जरिए मार्केट में रिसाइकल प्रोडक्ट जैसे ये टायर क्रम्बल्स हैं, इसमें ये वेस्ट टायर से बनता है क्योंकि काफ़ी सारे कामों में यूज होता है। और ये बैटरी का ब्लैक मास है, इसमें से हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसमें आपका निकल, कोबाल्ट, लिथियम आयन, ये सारे 8-9 तरह के मटेरियल्स इसमें से निकलते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये कॉपर है जो ई वेस्ट में से निकलती है, ई वेस्ट वायर में से, इसको हम रिसाइकल करते हैं एंड देन इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। PCB रिसाइकलिंग करते हैं और आगे प्लास्टिक है और ई वेस्ट से निकली हुई प्लास्टिक को हम ग्रैनुल्स के निकाल के करते हैं। सो वी आर रिसाइकलर और हम रिसाइकल्ड मटेरियल को मार्केट में प्रोड्यूसर्स को, ब्रांड ओनर्स को और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको सप्लाई करते हैं। तो टोटली आप बदलते भारत का नया रिसाइकल मटेरियल का मार्केट प्लेस। तो टोटली वेस्टेज ही यूज करते हैं? टोटल वेस्टेज यूज करते हैं और उस वेस्टेज को ब्रांड ओनर्स और प्रोड्यूसर्स को। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम मार्केट सिंह शेखावत है और मैं जयपुर से ब्लॉग कर रहा हूँ और अमृतर को फूड प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है और हम लोग मशरूम और विलेज पर काम कर रहे हैं। हम लोग किसानों को ट्रेनिंग देते हैं कैसे मशरूम को ऑर्गेनिकली कल्टिवेशन कराया जाए और पास में ही जैसे कि ऑयस्टर मशरूम्स हैं, इनके कल्टिवेशन के प्रोसेस बताते हैं किसानों को कैसे कल्टिवेशन करें, इसे खरीद लेते हैं हम लोग और उसके वैल्यू एडिशन से हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे सीजनिंग, ऑयस्टर मशरूम, कुकीज, पास्ता, सत्तू, ये सब हमारे प्रोडक्ट्स हैं और जयपुर से भी ऑफर। थैंक यू। Thank you.
request Dr. Umakant Das to say a few words about the remarkable achievements Irma has made across 4 decades and how ICIL is taking the legacy of development forward by directly investing into impact-driven startups. Dr. Das is an ideal leader for the institute to envisage the vision of Dr. Kurian, and he has really put all his effort to make both Irma and Irma ICIL Foundation a huge success in developmental arena. The Institute of Rural Management Anand is a prestigious management institute in India, renowned for its focus on rural development. With a commitment to nurturing socially conscious leaders, Irma plays a vital role in driving sustainable growth in rural communities. On this note, with a big round of applause, I welcome the director of the institute to share his views on the occasion. Good evening. Without I would like to thank the minister for sparing some time for this occasion in spite of his busy schedule. Just let me say a few words about the institute and ICIL Foundation. This institute of rural management Anand started in 1979 by Dr. Varghese Kurian, the milkman of India, and who is called as the father of white revolution, to professionalize the institutions which are working in the rural areas. So, since the last 40 years, we have been working in this endeavor, and close to 4,000 alumni, they are working almost in all sectors of the economy, whether it is bureaucracy or NGOs or academia or corporate sector, everywhere they are there. We generally our main objective, of course, teaching, training, consulting, and advocacy. We have been working with the government of India and almost all the state governments, whether it is Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh, or Tamil Nadu, this Odisha, Chhattisgarh, even Jharkhand and North. We are working with UP. So almost all the state governments are working, and we are very actively engaged with Ministry of Rural Development, Ministry of Panchayat Raj, Ministry of Cooperation, and Ministry of Agriculture. We have been working with them in training, conducting NDPs for the professionals, and we are also part of various policies, development policies. Recently, we are also involved in the formulation of drafting of the cooperation policy, which is going to be released soon, and part of Modern Rural Transformation Act. And ICIL Foundation, I think this is which we have been actively engaged in mobilizing resources and motivating young social entrepreneurs to take the risk. And the very purpose of the ICIL Foundation, again, is to help those entrepreneurs who are working the rural areas for the benefit of the rural people, and helping the doubling the income of the farmers, or ensuring the livelihood of the villagers, the empowerment of the women women in the villages. I think this is very much this is the fourth dimension of the Institute of Rural Management which we are working. And we are proud that last year, along with the LIC Housing Finance, we could be able to help 20 social enterprises. Again, going forward, this year we will be the support of again LIC Housing Finance. We are going to help as many as 25-30 startups. I'm sure this is just a beginning, and with the support of other ministries and with the support of other funding organizations, we are going to make this movement as strong as possible, so that the ambition of Atmanirbhar Bharat, or making the economy into 5 and 10 trillion economy, is going to be a very successful one, or is going to be a fruitful one in the near future. So once again, I thank Minister for gracing the occasion, and I wish the trailblazer a success, so that we would achieve the target which is given to us in quicker time. Thank you very much. So here we are at the most awaited moment of the event, where our Honorable Minister of Education, Skill Development and Entrepreneurship, Shri Dharmendra Pradhan ji,
indices of the nation. So please come ahead. तथा LIC हाउसिंग कॉरपोरेशन की साझा उद्यम से देश की सोशल एंटरप्रेन्योर्स को एकत्रित करना, उनको उनकी कैपेसिटी बिल्ड करना, उनकी प्रोडक्ट की मार्केट स्पेस देना, एडिएट करना, इनोवेटर को इकट्ठा करना, ग्रास रूट से लेके हाई मार्केट प्लेस तक कनेक्टिविटी बनाना, ऑल इन वन ऐसे एक इनिशिएटिव कि आज की इस छोटी सी कार्यक्रम में मंच पे उपस्थित इर्मा की डायरेक्टर आदरणीय दास जी और इस संस्था की, इस प्रोग्राम की मुख्य पार्टनर LIC हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की MD आदरणीय गौड़ा जी और यहाँ की सभी स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेंट, आप सभी को अनेक अनेक शुभेच्छा। मित्रों, देश एक नया पेज पे जा रहा है, नया दुनिया में पहुंच रहा है। हमारे देश में अनेक चीज नया हो रहा है, पुराने चीजों को नए तरीके से देखने का प्रयास भी किया जा रहा है। आज की इस प्रोग्राम सोशल एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योर्स कॉन्क्लेव उस दृष्टि से एक बड़ी महत्वपूर्ण पहल है। मैं इस फॉर्मल प्रोग्राम में आने के पहले और इस वेबसाइट लॉन्च करने के पहले, वेबसाइट शायद नेक्स्ट फेज की जो आपकी पार्टिसिपेंट आएंगे उसको डिजिटली जोड़ने के लिए, उनका एप्लीकेशन लाने के लिए आपने ये कोहोर्ट 2 कहा जाए कि कोहोर्ट 3 कहा जाए, कोहोर्ट 2 के लिए आपने आज एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। आपको शुभेच्छा। आपको इस बार शायद 20 की हैंड होल्डिंग करना ना पड़े LIC हाउसिंग कॉरपोरेशन, उसको और बढ़ा दे। LIC हाउसिंग कॉरपोरेशन उसको अच्छा काम कर रहा है, लेकिन LIC इतना बड़ा संस्था है
उसमें 20 सोशल एंटरप्रेन्योर बना के यू ऑल आर सेटिस्फाइड। Funding and handholding, and IGMA is a very competent organization, and both of you, my best wishes are there with you, and happy. They are the two important, very prestigious institutions of our country, are investing or handholding in the right area, right area. मित्रों मैं दो तीन बात कहता हूँ, उसकी पहले मैं दो चीज देखा। मेरे को जो बताया गया कि फास्ट कोहर्ट की जो 20 स्टार्टअप्स थे, 20 स्टार्टअप थे, उनकी ये एग्जीबिशन लगी, उनकी छोटे छोटे प्रोडक्ट, इसकी बिग इम्पैक्ट मैंने देखा। मैं आप सभी को बधाई देता हूं। मैं आपको पूछते सभी को पूछा कि आपका आयु कितना है, यानी आयु मैंने आपकी इस वेंचर की, और इसकी बिजनेस टर्नओवर कितना होता है, और ये आप तो कॉन्फिडेंट आप हो क्या कि ये आगे चलेगा। सभी ने कहा कि हम कॉन्फिडेंट है, सोच समझ के कर रहे हैं और ये आगे चलेगा। इस सभी को मेरा बधाई, आप लोग आने वाले दिनों में बिलियनर तक पहुंचो, ये मेरा सुनना चाहिए। आप लोग बिलियनर हो जाओ, क्योंकि आपकी दो चीज आपके पास जब होता है मार्केट में, आप चल जाते हैं। आपके पास रॉ मेटेरियल अगर अवेलेबिलिटी होती है, लो कॉस्ट रॉ मेटेरियल और एक एक्सेसिबल मार्केट, बाकी तो प्रोसेस और मैनेजमेंट के इश्यू है। आप सभी की जो रॉ मेटेरियल था, ये सब तो वेस्ट ही था, वो स्किल सेट हो। मैंने हमने दो चीजों को अभी देखा, एक छोटी सी लड़की की बहन का एक प्रोडक्ट देखा, उन्होंने उसको पूछा, मैंने उसकी पहले एक कारीगरी देख रहा था, मैंने एम्ब्रॉयडरी की काम देखा। एम्ब्रॉयडरी तो हमारे घर में भारत में लगभग 30 करोड़ घर है, उनमें से 15 करोड़ घरों में अपनी माँ और बहन एम्ब्रॉयडरी की काम करते, सिलाई कढ़ाई का काम करते हैं। ये पार्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशनल रूट, उसको कैसे एक मार्केट प्लेस देना। मैंने उनको ऐसे पूछ के आया कि क्या आपको कोई डिजाइनर से आप जुड़े हो, निफ्ट वगैरह से कभी जुड़े हो क्या? तो मैंने उनको कहा कि भाई उनको जुड़वाओ थोड़ा। चार स्टॉल आगे मैंने डिजाइनर को देखा, वो भी कॉन्फिडेंट है कि मैं मेरे प्रोडक्ट को अच्छे से बिक्री कर पाऊं। यही तो आपका बिजनेस नेटवर्किंग हो गया। ये दोनों अगर मिलेंगे तो दोनों मिलके अपना एक नया प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं, और इसकी मार्केट एप्रिसिएशन भी हो सकती है। मैं तो एक एक प्रोडक्ट के ऊपर प्रभावित हूं, मेरा पूरा कंट्रोल आपकी, मैं प्रोडक्ट पे नहीं, प्रोडक्टेशन में बहुत देखा हूं। मैं आपकी आंखों में आप डाल रहा था कि आप कितने कॉन्फिडेंट, आपकी आंखों की झलक देख के मैं कॉन्फिडेंट हूं। ये तो चल पड़ा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, फिर मैंने आपको भरोसा करके जो लोगों ने पैसा लगाया आपके ऊपर, या यहां बुलाए तो लगाएंगे आगे, आप इनको इन्होंने पैसा कुछ इन्वेस्ट किया कि नहीं, क्या बैंकर ने लगाया ना लगाएंगे, नहीं इसमें लगाया, इस बीस में लगाया, हाँ बात हो रही है, देखो हो गया बात हो रही है। इन्वेस्टमेंट भी आपको, देखो मैं भी दूसरे आपको मैं भी गारंटी लेता हूं, दोनों के लिए, उनकी ओर से आपकी ओर से उनके पास भी। फंड चैलेंज नहीं रहेगा, और सरकारी फंड पर निर्भर नहीं कर रहा, बैंक देगा, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट की देगा, डिपेंड नहीं कर। आप में अगर ईमानदारी देखेगा इन्वेस्टर, आप में कमिटमेंट और ईमानदारी देखेगा, आप चिंता मत करो, आपको कोई पैसे की कमी नहीं रहेगा। लेकिन आपकी वो कैलकुलेशन करेगा कि आप कितना ईमानदार, कितना एथिकल हो, आप उसे पैसा लोगे लौटाओगे। तो ये भरोसा मैं तो आपकी आंखों में देख पा रहा हूं कि भाई आप लौटाओगे पैसा।
आपके आप टेक्नोलॉजी आपके पास है, आप इनोवेटर हो, आप बिजनेस प्रैक्टिस आपके अच्छे हैं, ये दोनों को दिखने के बाद मेरा विश्वास आ रहा है कि हमारे देश में, और ये 20 नहीं, ये 20 की टर्नओवर शायद 20-25 करोड़ रुपया के अंदर होगा, इतना भी नहीं होगा, इतना भी नहीं होगा। लेकिन मैं जिसकी जो सोशल इंपैक्ट देखता हूं, ये 20 तो नहीं है, 20 के साथ कम से कम 3 लोग होंगे, मिनिमम 3 से 5 लोग भी होंगे। 5 लोग करें तो ये 100 लोग हो गए, 100 लोगों की मिनिमम लिविंग के लिए आप उनको महीने में 15-20-30 हजार रुपए तो दे ही रहे होंगे, उसकी उसमें किसी भी प्रकार के वो पार्टिसिपेंट उसमें हो रहे हैं, 30 हजार रुपए की, 15 हजार रुपए की, 20 हजार रुपए की। इसकी सोशल इंपैक्ट के असेसमेंट करना कोई सहज बात नहीं है। गरीब मां की दवाई उसमें से खरीदा जाता होगा, नौजवान व्यक्ति की छोटी सी बच्ची की पढ़ाई का फीस उसमें भरा जाता होगा, बहन की शादी की पैसा की जो कर्ज हुई थी उसमें से रीपेमेंट हो रहा होगा, और उसकी जब क्यूमुलेटिव रिटर्न आप कैलकुलेशन करोगे तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा उसको कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। ये सोशल एंटरप्राइज की सोशल इंपैक्ट असेसमेंट मैं अनुभव से कहता हूं, हमारे देश आने वाले दिनों में और तेजी से बढ़ने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं। हमारा देश रफ्तार पकड़ लिया, कोरोना को हमने पीछे छोड़ दिया। 2-3 इंडिकेटर्स अगर मैं आपको सहज मेरा इतना समझ, चैलेंजेस बहुत है, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस के कारण कई सारे चीजों पर हमको जो सुविधा रहनी चाहिए इन दिनों में नहीं है। ग्लोबल सप्लाई चेन की डिसरप्शन है, विश्व की लंबे समय से इतनी तनाव इन दिनों में हमने नहीं देखा, यूक्रेन रशिया की कॉन्फ्लिक्ट, चाइना जो दुनिया की प्रोडक्शन हाउस था कभी, उसके ऊपर अविश्वसनीयता, दुनिया के इतने तक लोगों की अविश्वसनीयता, ये इन दिनों में हमें बहुत जूझ में हो रहा है। हम लोगों की ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की, पहले हम जो विद्यार्थी थे हम लोगों ने खाड़ी की देशों की लड़ाई देखा था, हमको कॉन्फ्लिक्ट यानी वही नहीं समझता था, आज कॉन्फ्लिक्ट की प्रारूप बदल गया है। पूरा दुनिया में सप्लाई चेन कोविड के कारण, उसके बाद यूक्रेन रशिया के कारण, बाद में चाइना की सुलह के कारण, 3 फैक्टर ने ग्लोबल सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर दिया है। उसकी इंपैक्ट भारत में, जो उसके बावजूद भारत आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला है। अभी प्रधानमंत्री अमेरिका गए, अमेरिका में जिस प्रकार की डायलॉग हुई, जिस प्रकार की बायलैटरल डिस्कशन के आउटकम ध्यान में आया, और जो गेस्चर देखने को मिला, यह प्रमाणित करती है यह कोई सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तिगत सम्मान नहीं था, यह भारत के आप सभी की कलेक्टिव इफोर्ट की, सामूहिक प्रयास की ग्लोबल रिकॉग्निशन। अब मान के चलो जो चीज आप कर रहे हो आने वाले दिनों में, उस आइडिया पे आपको मिलियंस मिलियंस रुपया की लाइसेंस भी आ सकता है। प्लास्टिक की धागा से आप क्या बना सकते हो, वाइल्ड ग्रास से आप डेनिम की कपड़े बना सकते हो, ये कम चीज आपने नहीं बनाया। आपने पॉट में टेक्नोलॉजी के माध्यम से पॉली हाउस की रिप्लेसमेंट कर दिया, आपने एक प्लेटफॉर्म बना के सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल की एक एग्जाम्पल उनके सामने रख दिया। ये सब एक एक चीज में इसकी मार्केटेबिलिटी, डोमेस्टिक मार्केट में सिर्फ नहीं देख रहा हूं, डोमेस्टिक मार्केट तो भारत के आज रोबस्ट है ही, लेकिन इस आइडिया की मैं ग्लोबल मार्केट देखता हूं, ग्लोबल साउथ की लोग और विश्व के जो गरीब तबके की देश, आप सोचो थोड़ा, पापुआ न्यू गिनी की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी की पैर छुए तो गुड इवनिंग कहना चाहिए, रात हो गया तो गुड इवनिंग कहना चाहिए, पैर क्यों छुए?
फिर प्रधानमंत्री जी का नहीं छुए, आप कुछ हुए अपेक्षा कर रहे कि भाई मेरे को प्लास्टिक की धागे वाला टेक्नोलॉजी मिल जाएगा कि मेरे ग्लोबल वार्मिंग घट सकता है, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। वो भी अपेक्षा करते हैं उनके वहां भी कुछ कलमकारी हो रहा होगा, उसमें मेरे को कोई बिजनेस प्लान मिल जाए तो मेरे महिलाओं को रिस्पेक्टेबल लाइफ मिल जाए। आपकी सभी के मॉडल ग्लोबल मार्केट के साथ जुड़ सकता है और आपके साथ इरमा है। इरमा हमारे देश की बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, आपके एलआईसी और श्रीनिवासन फाउंडेशन जैसे लोग भी हैं जिनके फेयर एक्सपोजर है दुनिया के साथ। मित्रों, मैं आशा के साथ आपको कह सकता हूं इस रास्ता में थोड़ा थोड़ा चैलेंज आएगा, हर्डल्स आएगा, कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलता है। आपको बिलियनर बनना है, मिलियनर बनना है, सपना देखने से नहीं बनना है। आपको थोड़ी हर्षद नहीं था, आपने कष्ट का रास्ता निकाला, आपके पास ऑप्शन था, कम से कम आप लोगों ने जिस जो काम किया आपके पास ऑप्शन था, आपके नीचे जो लोग जुड़े हैं उनके पास ऑप्शन नहीं था, फिर आप लोगों के पास ऑप्शन था कि आप ये ना करके और कुछ करते, एक नौकरी करते तो आप कंफर्ट में रहते, लेकिन आपने रिस्क लिया, रिस्क खुद के लिए ले लिया है, रिस्क अन्यों के लिए लिया है। मेरे को किसी फिलोसोफर ने भी, कोई पुराने फिलोसोफर की बात किसी ने समझाया कि वेस्टर्न थॉट और हमारी थॉट में मूल अंतर क्या है। वेस्टर्न थॉट शुरू होती है मैं से, मेरा दुनिया, मेरे आइडिया, मेरे चिंता, और हमारी थॉट शुरू होती है आपकी आइडिया से। मैं उस बैकग्राउंड से कहता हूं जो सोशल एंटरप्रेन्योर यहां उपस्थित हो, आप सभी ने दुनिया के सामने दूसरों के लिए जीने का एक मॉडल बनाई है, आप उसको बढ़ाते जाओ। फिर मैं इरमा और एलआईसी को भी बीच से नहीं होगा और उसको बढ़ाओ, और मैं भी इसमें से जुड़ूंगा। आपको सबको बहुत बहुत शुभेच्छा। Now it is the time to invite MD of LIC HFL, Mr. Y. Vishwanathan Gowda, as he has put immense trust to build MIC Foundation's first successful cohort. It would not be possible without his trust within us to build such a cohort and to continue in the second season. Welcome you, sir. Our most honorable Indian minister and the director of IRMA and all my dear friends and the other invitees. I first of all sincerely thank our Indian minister for giving his time and spirit, and really he has visited all the stalls and in a very short time he has really conveyed a big message to us. Sir, really we are all thankful to you, sir, for that at the outset. And friends, you all know that IRMA is a brand in an entire country, as Saurabh mentioning, and LIC HFL our CSR funds were an association with IRMA. Through that, since last year we have done some startup funding. Really, we feel that we are honored, and then we are also participating in a good development of society. That too in a sustainable manner, and inclusive growth. That's what we are looking at. And the moment I look at the stars, I think these people were interviewed by us last year. Now they come up to a very good level. I am immensely happy that you have brought your whole ventures. And this is an enclave of social enterprises. Our ministers are feeling very, very succinctly that before me the society, aapke baad mine. Really, that is a theme. So with that theme, I think certainly we will put our mind and heart together, and with our CSR funds, we are going to further strengthen this relationship with IRMA. And the days to come, we will certainly scale up our operations also. And certainly, you all feel rest assured that our assistance will always be there. And then with very good support and then hand-holding, it is given by our IRMA IC Foundation. I have to thank Rakesh. He is one-man contact for all of us always. He is one person.
scale with everything. Friends here, these things are which make vision scalable, purposeful, and then profitable. See what happened, Sarah was mentioning when he actually when the minister fellow with us, he was telling that idea is the first thing. Then from that the action take place. So here I said really a small seed, but then become a big tree, banyan tree. So in that process we are all putting our hands together and make this event a great success. And I am very certain that in the days to come, we will see so many entrepreneurs across the country who are useful for the society in a very, very purposeful manner. Maybe the profit with the last motive, but still, this process really, I am telling you friends, I was asking our Rakesh also, small venture what started has provided really an employment to roughly 10,000 people, if I am correct. So really, in 1 year time, 10,000, Skill India also really, we are doing something to that. Friends, in this direction, we all put our hands together and make this relationship a great success and prove the entire country that we are the best in this field. Thank you, friends. Thank you, Mr. It was great listening to you, sir. I would request Mr. Vairi Gowda to please give a token of gratitude to Mr. Sir. So these are the goodies from our independent startups. I request Director Irma Dr. Umakant Lal to offer these goodies to Mr. Vairi Gowda. Now, before drawing the curtains down, I would invite the man behind the showrun, Dr. Rakesh Sharavatiya, to put across a vote of thanks for our panelists and audiences. Shobha Chinchalani as co-founder in Pune. We started as an AgTech social enterprise, but we are actually India's first renewable energy marketplace for farmers and rural households. So there are two problems we are trying to solve. So we all know that 60% of population is residing in rural areas and is dependent indirectly and directly to agriculture. We are also going to face the age of climate crisis in the future. So two problems, how to fight climate change and how to build this Bharat Atmanirbhar. So we brought renewable energy for farmers, where we are creating a platform where we bring all solutions in solar, biogas, green energy, electric on a single platform.
and we are an end-to-end solution provider. So if you analyze, 66% of the rural households are still cooking on firewood when we want to replace it with biogas. And even today, farmers are dependent on diesel where they want to use diesel gensets in order to run electric water pumps, milking machine, chaff cutter, etc. So to increase their savings and income, we want them to use solar, biogas, green energy products. And since they don't have these technologies available at the village level, So we, what we do is we bring all these products, 200 products on the platform to the farmers with our call centers, AI-enabled WhatsApp chatbots, and our unique business model, which is of renewable energy stores at village level, where we make these products available in the form of education, where we recommend the solution, we sell the solution, and we also bring financing facility, making these renewable energy products affordable and accessible, aligned with the UN SDG goals. So we bring the subsidized interest rate on for these products, and we make these products available through our renewable energy stores, and we do end to end. So we recommend, sell, finance, deliver and install. So we do this with our omnichannel touchpoints. We started our journey in 2020. So in a nutshell, if you ask the numbers, we have already generated 1.5 crore of turnover today in 2.5 years of our commercial existence. We have, next slide please. We have 77 renewable energy stores offering 200 plus products in solar, biogas, green energy, electric. We recently added agtech and organic platforms. If you ask us today what are our five fast moving products, it would be solar water pump, solar inverter, biogas digester. And we have recently added drones and electric tractors and tillers on the platform, which are also creating the demand. So if you ask at the value proposition, we are a full stack renewable energy platform where we recommend, sell, finance, deliver and install the product for the last mile farmers and rural households. And we also bring financing facility, and we also are tracking abation of the GHG CO2 emission because we are also a climate action social enterprise. Next slide please. This is our renewable energy stores. So anybody today with the investment of 40,000 or 25,000 can open a renewable energy store at village level, and with no stock investment, his only job is to onboard farmer network, educate about renewable energy products while he earns the margins between 5 to 15%. We have 77 renewable energy stores in Rajasthan, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh in 2.5 years of our existence. Next slide please. Traction, you can open the impact dashboard. Yeah, this one. Back, yes. So till date, this is our impact. We have already impacted 350 farmer families. We have also treated 1.6 lakhs of animal and agri waste. We have also generated 3,28,000 organic slurry to enrich the soil. And we have also replaced 59,000 kgs of firewood with clean cooking such as biogas. And we have also generated 200 kilowatts of energy through solar and dedicated 500 acres of land with solar. So I'll be happy to answer the questions at that time. Do you have any questions during the networking session? Yeah. I'd like to call Swapnil, the founder in Embryo. Hello everyone, we are Ambrose Private Limited. We are working on an invention to replace polyols and plastic paper mulching and biodegradable plastic mulching at 20% of its cost, so that all low income group farmers can afford this. Next slide. Actually, till formation practice leads to us around 2 lakh liter water loss per acre, and it accounts around 13% of GHG emissions all over the world. Adding salt to the wound, there are low cost products like plastic or biodegradable mulching, which encourage this practice.
like you can see, it leads to us water loss, GHG emission, and it degrades the soil rapidly. So there are lots of hazardous things happening due to the use of it. Next. The worst thing is that this plastic or biodegradable mulching cannot support abiotic stress. Like in 40 plus degree Celsius, it starts to harm the crop. But farmers do not have option for this, so that they use it, and to overcome the abiotic stress, they use lots of water and spray insecticides. And the report in Science Direct journal confirmed that 100 plus cities are consuming seven times more toxic elements through their vegetables just because of this thing. Next slide. To solve the issues, we have come up with an invention. We have invented a pot which has 16 parts. It follows 7 science principles. This pot helps the 60 plus crops from vegetables, flowers, fruits and spices segment to overcome the abiotic stress. Similar, at the same time, this pot helps farmers to save water around 30%. This pot helps winter cultivation to save waters, and in monsoon, it overcomes the water clogging problem, so that 60 plus crops can survive in extreme conditions. Next slide. This is the schematic diagram we are working upon cooling down of roots. Our pot divides the root structure in three different segments and provides different amount of dissolved oxygen and nutrients, so that later on this pot, this healing itself can survive the extreme situation. Next. The best thing, the USP about our product. Using our product, farmer, we remove 2 lakh rupee worth of investment behind per acre for farmer. Then using our product, farmer do not need to use any plastic or biodegradable mulching. The cultivation time and the amount is 1/3 of the conventional methods available out there, and we have proven it. The best thing is that with our pot, we are mitigating the abiotic stress by 3 to 6 degrees Celsius. With this proven claim, we are replacing the poly house at just 2% of the cost for low income group farmers. Next is the contamination is 80% lower, and we are having twice capacity to withstand dry spell and drought. We have shown that farmers are cultivating 40% more area with our product, and with an investment for two crops, farmers are taking 3 crops in 3 different weather situations. Okay, this is our business model. We are manufacturing and hiring sales executor. We are hiring nurseries as our sales executor in 60 square kilometer area. And farmers are approaching these sales executors to buy our product. Thanks. Textile industry is responsible for 4 to 10% global carbon dioxide emission. And various estimates, it could reach 26% by mid-century. So, is it time to reduce the difficulties for the people and cost to the nation due to these problems? And the solution comes from the more environment friendly clothing, from the malian pellet, from the yarn which has been made with this grass by under-patented technology. So beautiful of grass is that it's perennial. It has zero seed carbon footprint and cultivation carbon footprint in comparison to most organic fiber available present organic cotton. And the beautiful circular ball of fiber structure
having 300% water holding capacity and thermal conductivity measure in terms of though in 0.49 watt per meter per Kelvin. For a general person, user, I am wearing it in month of 40 degrees temperature and believe it's cool. The all water fabric, good drag, more luster and less noise because of it. And meet us at our stall to know how industry is responding to the fiber, what are the challenges, and finally, what is displayed UP with lot of confusion and name has been often misspelled. So this is their ethical, sustainable craft and for all who make it and who wear it. So meet us to discuss. Thank you very much. So EcoHari works on two basic missions. One is we're trying to conserve the environment by upcycling single-use plastic like biscuit packets, chips packets, gift wrappers, using Jatha and Hando. And the other part of the mission is that we're trying to enable the livelihoods of women and youth. Next slide, please. Problem statement, we all know that plastic is one of the major polluters. From 1950s, we have produced close to 8.3 billion of plastic, out of which 9% has been recycled, 12% burned, 79% still there. Next slide, please. So what we do with it is, this is a small, short 1 minute video which will explain you what we are actually trying to do. Can you play it? These kind of plastic bags are washed, sanitized, and then dried under the sun. Pura process manual. There is no machine being used, no extra energy being consumed. So we sort them color wise so that we can use the actual colors of the plastic. These are then cut using a pair of scissors into long strips, rolled on the chakra, and then woven and ironed together to make out. Like for Kavrata, we produce a lot of accessories. Like you can see this one. Ek Dairi Amir last night. So this is a graphical presentation. So we don't collect the plastic on our own. So we have collaborated with a couple of organizations who do the collection. So we take it, we sort it, and then the process starts with it. These are washed, sanitized, dried under the sun. We cut them using a pair of scissors, then roll them onto the chakra, and then weave them onto the hand loom. That's a traditional process which we use. Then the design team comes into the picture, we make a lot of products. So as of now, we have shifted our model from B2C to B2B. So it's a mix of B2B to B2C. Since we deal with the waste, to make us, hamesha color repeat nahi hota. It keeps changing. So that's why we were actually burning a lot of cash in B2C. Till then, my mentor came into play and then we shifted to B2B. So now, last year, we actually, from the 40 lakhs, we went to 1.19 crores. Just because of single tweak that you should go to the B2B. So this year we are targeting close to 5 crores with B2B and little bit of B2C. Next slide. Next slide. Let's not do this. We do measure our environment and the social impact. So environment, we have actually till then we have upcycled close to 50 lakh of plastic bags till now, and we have. As of now, 100 plus livelihoods created were Unnapur, Karnataka. So Karnataka is a unit which is funded by GSW Foundation under the CSR. So have been working with them for that. Next slide. So this. So where we want to go in the next 5 years, that we want to have 100 plus weaving units across India. Har ek weaving unit mein 50 ke upar artisans ko livelihood mil sakta hai, which will make it to 5,000 artisans. And har ek unit 2 lakh plastic bags har mahine kar sakta hai. And on the revenue side, which I have not put them, it can be more than 2 crores per unit. So it can be 200 plus crore within 5 years if we go without funding. So I thought it's a bootstrap focus to find the manager. Thank you.
I'm just adjusting the mic. I'm too short for podiums most of the times. Allah. What you just saw, if this was a normal concrete block, it would have been in shatters by now. So, namaste, we are Green Banana and we are making building materials of the future that are planet friendly and made without using any natural resources or additives. We majorly work with the B2B segment globally through local domestic supply or through exports. And the reason why they choose us over traditional competitors is various value additions that we offer. One, because being the lowest waste or the negligible waste creation at the construction site. Faster TAT, construction TAT. Three, low maintenance cost over a big cycle. Fourth, low carbon footprint, which allows them to positively report in their ESG as well as in the social reporting segments. Our patent or patent pending innovation is also Pollution Control Board certified in India. And we've been making or focusing on making products that are rust-free, durable, high load bearing, frost-free, termite proof, and also do not consume water or absorb water, which is a very big problem statement in the construction segment. According to a research study that's been going around, we as a world, we would be creating equivalent of one Mumbai city every month for next 40 years. That is the amount of construction that is going to happen. Which leaves us with a market size of $600 billion to leverage today. And if we don't build it in a better and resilient way, I don't know where we're going. So we have a potential to clock 200 crore annual revenue in next 5 years. And till date, we have supplied material equivalent to 1.5 lakh square feet. To different customers, we've created and generated, or 100 individuals have given us an opportunity to generate livelihood for them till date, and which continues to grow. All this while repurposing and re-channelizing the wasted resources that we've been working with to create outdoor built environment. We are now looking at an investment size of 4 crore to scale up our entire ecosystem. And like we keep saying and we keep talking to people, we want you to join us in our journey, because we keep telling people ke ghar banana par green banana. So thank you so much for giving us a chance. You are all welcome to keep trying. Can you 200 What we do is now wait for lunch. We should be back by 45 minutes. Please just head out for lunch.